बसाए तेरा पड़ गए हैं सीमा पर पल की देर लगाई ना लगे मोर चाहर तो बन के जंगी पहरा दे लगवाए दोस्तों जब हीरागढ़ के निकट गोना की वारात लेकर के महोबे के जवान पहुंच गए अरे करी कचहरी मंडली कने सब सरदार ले बुलवाए और आला बोले फिर जवानन से देव राजा को खबर कराए इतनी सुन के पौना बोलो अर्जी सुनो बना पर राय मैं बाय महलन बिछ दो धरवाए हीरा चुरा के बोलाना है वैसे काम बने सोना बोना कहने लगा कि महाराज खबरा बाद में करा पहले तिरखा सिंह की जो शर्त टीका में लिखी है वो हमें पूरी करनी है बंधी साड़ी है घर अंदर फाटक खुले जरा भी ना और खिड़की में से बाई निकारे फाटक बंद दे करवाए एक अंगूठी है रानी पे राजा को लेवे भेष बनाए सबकी जन को लाऊं चुराए ये चारों शर्तें पूरी हुई जाए फिर रड़ खेत बजे तलवार जब ये बात सुनी गौना की बंदूक कचहरी गई करवाए सभा लगी है तिरखा सिंह की मर्दो ध्यान बिशरना जाए दोस्तों इधर तो बोना ने मंडली से कहा कि मैं चोरी करके सब चीजें हीरागढ़ से निकाल के लाऊंगा उसके बाद में विवाह होगा उधर महाराज तिरखा सिंह की सभा हीरागढ़ में लग रही है दोस्तों महाराज बोले अरे बोलो है राजा सेनापति से चल दिए फील करो तैयार और जवान 500 पुर सजवा में वन में खेलन जाए शिकारी चले हैं अरे बिकट सी समन की रे झाड़ी है राजा पहुंच वहां गए जाए
पीछे तीरथा सिंह ने अपनो हाथी दोहे लगाई। अपने शिविर के निकट बोना चोर ने देखा तो अपने मित्र उदय से बोला, अरे दुश्मन आई तो है के रन दिन सबरो भेद बे ले जाई कै। और इतनी बात सुनी मोना की सज गए कुमर उदय सिंह राई। चलो है पुड़हर बालो जो नामी छोर पौनी आ रही। दोस्तों इधर तिरखा सिंह उधर बोना चोर और उधर जब आमने सामने हुए, अरे जय के राजा से जो बोलो जो रण बाधम होवे क्यारी। और बोल इधर तू कैसी आओ ठहरे जहां बना फर राई। अरे गज की बोलो है रउदर से दुश्मन खबरदार हो जाए। और क्या कम बखती मेरे घेरो है सिर पे मोती रही मड राय। और जिंदा ना हम तो छोड़े तेरो काल रहो नग चाय। और सूते सिरोही तिरखा सिंह ने और उदल पे गई है चलाए। और ढाले अड़ाई गई है उदल ने ताते भौ तो जड़ा हो जाए। अरे ताती तीसी चली बतीसी फिर उदल के दई है चलाए। अरे या बत शांग लखी उदल ने दई घोड़ा के एर लगाए। और सर सर बाजौड़ो अमर में पहुंचो गगन पंथ में जाए। तिरखा सिंह ने शाम का बात उदल के ऊपर किया, उदल ने अपने अश्व को एर लगा करके अंतरिक्ष की ओर उड़ाया। उधर महाराज तिरखा सिंह ने समझा, पकड़ो है पकड़ो भूप तो उदय सिंह प्यारी। अरे मुश्क बदल है रे दोनों
पूना बोला, अरे बोलो पूना है यार मलखे से, अरे जी सुनो रे बना भरराई, अरे पूरी शर्त करे तो राजा की, ऐसो समय तो मिलन को नाई। हीरागढ़ के महाराज तिरखा सिंह का रूप रख करके बोना हीरागढ़ के लिए चला और महाराज तिरखा सिंह को अपने वस्त्र पहना दिए, उन्हें बेहोश बना करके होदा में डाल दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, अरे राज कोट के दरवाजे पे गज को भूमि दो है बैठाई, और बोना उतरो हाथी पर से सिंहासन पे बैठियो जाई, अरे हुक्म फेर दो है रे बोना ने ज्वानो सुनियो कान लगाई, और पकड़ की लाए रे हम खूनी हक में दे उडरवाई, अरे जाने मारो है फील बन को जाती है के दिले उतरवाई, और बड़ी मुसीबत सर पकड़ो है गया बे हाथ किसी के नाई, क्यों तो बेहोश थे और बोना ने अपने वस्त्र तिरखा सिंह को पहना दिए थे तो उसे चोर समझ करके सरदारों दाहक में झोंक दिया, अरे भूप उतार लेते होता से और दाहक में देते डरवाई कई, और फिर समझाओ है रे मंत्री को सुनियो मित्र बात चितलाई, नहीं पता के बोना चोर है या महाराज तिरखा सिंह है, आरे दिन नजदी का ब्याह के आए वो बोना है पूरी बलाई, और कोई शक्ति है रे बोना पे जो वो डरे किसी से नाई, दुश्मन ने गढ़ पे तोप लगाई है आई, और जल
दिया हीरा कौन ले आवो जो बख्शा मिनो तो धरवाई हीरा को कैसे हमें दिहर दिखलाई आ रही तनी सुन के मंत्री धाओ के हीरा लाओ तुरंत निकाल और फिर समझाओ सरदारन को यारो ध्यान बिसर ना जाई कब्जे में बोना चोरनी ले लिया। अब किला की तोपों को जब बोना ने देखा और जवानों से बोला अरे किला के बाहर मकानन में मेघजीन को दे उभर बैठे और भक्त बड़े जब रण भूमि में ये जल्दी से पहुंच जाई सरदारन को सड़नी निकट पहुंचियो जाई याद रहे भक्तो महाराज तिरखा सिंह के भेष में गोना चोर अपना हर काम हल करता जा रहा है। हीरागढ़ के जवानों को नहीं पता आगे बढ़ के गोना बोला आ रहे ये से बोलो है मंत्री से क्या को या जले अजमाई और खिड़की में से जो ना निकले फटका फिर किसी को नाई दोस्तों इतनी बातों के मध्य में शाम का वक्त गुजर गया तो बोना चोर ने कहा कि मंत्री जी इस सड़नी को तो कल हम खिड़की से निकालेंगे इस समय तबीयत थोड़ी खराब है। अब तो पत्थर होना मंत्री जाको कल लिहरे अजमाय और शर में दर्द बड़ो है भारी हम सैने कनम बोलो जाई चाहे भारी जंग भई दुश्मन से तब से जीव रहो मचलाए सम्राट है और ये उदास क्यों है तो पूछने लगी है वो गोरी अरे कैसे तबीयत ना हुआ पती हो कैसी तबीयत ना हुआ पती कैसे प्राण रहे घबराए कोई इतनी सुन के बौना बोलो गोरी सुन ले कान लगाए खेलन गए शिकार विपिन में दुश्मन मिलो विपिन मिल जाए अरे जान से मारो फील बा
होशियारी में बक्त बिहार को पहुंचो यार। की रानी से अरे बड़ो बहादुर बो बोना है चढ़े अवश्य बाउनिया राय और चोर को बिटिया ना देनी है चाहे प्राण रहे या जाए। टीका में शर्त लिखी है कि अंगूठी रानी की छुड़ानी है तो बोना चोर वो अंगूठी लेने जरूर आएगा, इसलिए गोरी वो अंगूठी तुम हमें दो। जब मंत्री और सैनिकों को लेकर के जहां पर उठनी खिड़की में बंदी थी वहां पर पहुंचा और जाकर के जवानों से कहा बाहर पहुंची आई आई के फूली को जल्दी
सभा में प्रस्तुत किए गए। अब बोना ने सारा भेद खोला। अरे राजा बनना के ये तो चाहे था, जापू राजा के देवो बनाई, और मैंने वचन दे है के जाकू जाए तुम गद्दी पे देवो बैठा। सभी शर्तें पूरी करके हीरागढ़ से सक्सल अपने शिविर में जाकर के पहुंचा। अब दोस्तों हीरागढ़ में हलचल मच गई। अरे हलचल मच गई हीरागढ़ में, अरे बोना ने सीमा दाबी लिया, समरा भूमि मेरे जाए झंडा गाढ़ी दे है के धन में को तो मैं मोरा चादर के लगाए। दोस्तों जिस समय तिरखा सिंह के सुपुत्र अपनी फौज को लेकर के युद्ध के क्षेत्र में आए हैं और हुक्म दे दो है प्रीतम सिंह ने, अरे जंगीय तो पैदा भी दई जाए, कान भन गया लाग जानी भर गई तो सब सरदार लय से बुलवा। समय प्रीतम सिंह ने जाकर के तोप दागी है इस क्षेत्र में, उधर बनाफरों के कान में जब ये भनक पड़ी तो आल्हा बोले, अरे ऐसे बोले हैं सरदारन से, अरे जवानों सुन ले उपात हमार सुख
दुश्मन को है मूढ़ पे आए। अरे समर भूमि में जो कोई जावे अपने कमर कसे हथियार, दुश्मन आई गौ है खेतन में अपनी तोप तागिर हो जाए। जब ये बात सुनी उदल ने तुरत ही फौज लई सजवाए, तो मैं चरखिन पैर चढ़ माई बल्कि देर लगाई नाय। अरे दोनों भोजन को झुरमुट है ननी चा।
साथियों, जिस समय उदल ने महाराज तिरखा सिंह के पुत्र प्रीतम सिंह को युद्ध में बंदी बना लिया और हीरागढ़ की फौज भाग करके जिस समय राजकोट में पहुंची हैं, दोस्तों हीरागढ़ के हाल बेहाल हो गए। अरे फौजी भागी प्रीतम सिंह की पहुंची हीरागढ़ में जाए और ऐसे बोले तिरखा सिंह से सुनियो भूप बात चितलाई। अरे बड़े बहादुर महुबे बारे जिनकी जात बना फर लाई और कैद कराई लई है प्रीतम की कोई पार पड़ी है नाई। दोस्तों, जब महाराज तिरखा सिंह ने सुना कि मेरा पुत्र युद्ध में बंदी बन गया, अरे इतनी बात सुनी राजा ने धरती गिरे तमारो खाए और हाय मेरे छैया कुमर कन्हैया नैया डूब चली मझधारी। अरे रोबन लगे भूप गति पे अपनी छोड़ छोड़ चिड़ारी और हिलती भर भर गिर रोबत है नैनन बहती नीर की धारी।
चढ़ी लगुन फिर जाई और उनके जियर को समझा बेगिन पे पुत्र सुख पर जाई। अरे हिलकी भर के गम में भर के रोवन लगे मही पनिराई और फिर के बोले शांता मल से बेटा सुन ले कान लगाई। दोस्तों प्रीतम सिंह से छोटे शांतामल से महाराज तिरखा सिंह ने सभा में कहा कि बेटा तुम्हारा भैया युद्ध में बंदी बन गया। अरे फौज बाबो पहुंचो समर भूमि में जाई और कैदी छुड़ाई ले भैया की सबके मुंडा ले कटवाई। दोस्तों उधर बहादुरों की वीरांगनाएं अपने हृदयेश्वर को युद्ध के लिए सजा करके कहने लगी है कि नाथ
सोच तो ध्यान रहे, आखिरी जंग में जब शांतामल और महाराज कांतामल पहुंचे हैं दोस्तों युद्ध के मैदान में, फौज रोक दी, अरे बंदोबस्त लश्कर को करके और पाती लिखिए कुमार प्रतिपाल स्वस्थ श्री रयाल को लिख के फिर पीछे से राम जुहार हाल लिखो है शांतामल अरे श्री महाराज बना फर राई इच्छा हो बे जूझ करन की तो मत देर लगाई और आए अरे तेर करोगे जोरे वन में और तमुअन दी है क्या लगाए बंदल फाफा मेरे खत करके तो बना फरन पे दो भिजवाए दोस्तों जब संदेश बबर शेर मलखान को मिला मलिके बोलन लागे के सुन राजन के राजकुमारी अरे दुनिया जान देहर मलखे तो मेरण बाधम होवे ख्याल और रोम रोम चैगासी लग जाए बाजे हाड़ हाड़ हाये हम न गए चैतन धजिय धजी रे उड़ जाए अरे जब ये बात सुनी मन खेती मुसा भरी बदन में जाए अरे पातन पातन बत बड़ हुई जो जोर पातन में बढ़ी आई डार और लार के ऊपर गारी दे दो गारी दे तबरी तलवार और खबर पूछ गई है रे लश्कर में वहां पर ऊंचल पहुंचे जाए और दोनों भोजन पूर संगम है अब दल में दल गौ है समाए और झुके सूरमा दोनों जोर से चमके जोधपुरी तलवार और यहां पे हाथी तिरखा चिंतु मलखे डटे सामने जाए और शांतामल से ऊंचल पहुंचे नाहर डटो सामने सब उदल ने लय है बचाए और भारी सोच भो शांता मलियम मेरी जान बचन की ना होदा में बैठो जाए अरे लड़का काट दे रे होदा के होदा धर्म की रोक भैराए अरे तिरत देख के रण बंकाने
चल बेच रखा सिंह के जबरन ब्याह लो करवाई।